हेलो गाइस, मैं खुशी रहूं, आपका स्वागत करती हूं द न्यूज टॉक चैनल में। 45 दिन से लॉकडाउन में दुकान बंद थी, जब दुकान का मालिक वहां पर गया और दुकान का जब शटर खोला तब अंदर का नजारा देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया। आज की न्यूज में आपको सिर्फ एक कमेंट करना है और वो कमेंट आज की ही वीडियो में होगा कि उस दुकान के अंदर क्या चीज थी। वो ही चीज का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ अपने शहर का नाम भी कमेंट कीजिए। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है और 17 तारीख को लॉकडाउन का तीसरा चरण भी खत्म होने जा रहा है। उस दौरान ही जब तीसरा चरण शुरू हुआ तब सबसे पहले जब लॉकडाउन लगा तब दुनिया काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई कि अभी हमारे काम का क्या होगा, दुकानों का क्या होगा, दुकानों के अंदर पड़े मटेरियल का क्या होगा। सब चीजें अलग अलग दिमागों में काफी सारी ऐसी खिचड़ी पक रही थी। पर लॉकडाउन 3 में एक्चुअली में सरकार ने आदेश दिए सरकार को और वहां के जो एरिया के जिले के जो डीएम है उन्होंने अपने ही एरिया के जब निरीक्षण किया तब उस दौरान उन्होंने उसके अकॉर्डिंग शॉप्स वगैरह ओपन की। तो यहां पर भी हम आपको बता दें कि बिहार के वैशाली जिले से हमारे सामने ये मामला आ रहा है, जहां पर लालगंज बाजार में, अगर आप लोग भी लालगंज बाजार कभी गए हो या बिहार के हो या शामली जिले के हो तो बताइए जरूर। तो लालगंज बाजार में एक सलून है, तो वहां पर सलून को जब ओपन किया कि उस जो कि श्रवण कुमार उस दुकान के मालिक का नाम है, उस सलून के मालिक का नाम है, उसने सोचा कि दुकान को साफ कर लिया जाए। 45 दिन से लगातार वो बंद पड़ी है, तो वो गया वहां पर, सोचा उसने पूजा वूजा कर ले तो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आए, थोड़ा काम वाम चले तो अच्छी बात है। तो वो जब वहां पर गया तब शटर उठा के देखा, तो यही पॉइंट है गाइस, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डालना। जब शटर उठाया 20 से 25 सांप वहां पर फर्श पे रेंग रहे थे। उस सलून को एक्चुअली सांपों ने अपना घर बना लिया था। और उसी के साथ साथ हम आपको ये चीज बता दें कि प्रकृति काफी ज्यादा चेंज हो गई है। लोग जब दिखाई नहीं दे रहे हैं तब जानवर भी सोच रहे हैं कि लोग कहां पर चले गए हैं, क्या हो क्या गया है। काफी सारे आपको जानवर देखने के लिए मिल रहे हैं, सांपों की खबरें बहुत ज्यादा आ रही है। उस दौरान ही श्रवण कुमार ने शटर को ऐसे ही खुला रखा, डर गया, आजू बाजू के लोगों को बुलाया और लोगों ने उसकी मदद की, सांपों को उठाया नजदीकी जंगल में, उनको छोड़ दिया। ये काफी ज्यादा डरावना था और उस दौरान श्रवण ने हिम्मत की और अपने सलून को साफ किया और साफ करने के साथ ही वो वापस घर पे चला गया। क्या आपके शहर में सलून ओपन है तो बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। और मैंने जो कमेंट करने के लिए बोला है वो ये है कि दुकान के अंदर क्या चीज थी ऐसी, बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।